नमस्कार, मेरा नाम सान्या छाबड़ा है और इस बार 2018 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 84th रैंक हासिल किया है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा और उसने मुझे कैसे हेल्प किया। तो जहाँ तक न्यूज़पेपर रीडिंग की बात है, एज अ बिगिनर मैंने जैसे शुरू किया था वो ये कि सबसे पहले मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 5 साल के पढ़े और देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि न्यूज़पेपर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही रहे कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें सो दैट आपको एक डायरेक्शन मिले कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं आप जो आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। रही बात न्यूज़पेपर स्टार्ट करने की, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर आपको तीनों स्टेजेस में हेल्प करता है, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू है। अगर आप कुछ साल के पेपर्स देखेंगे तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली करंट अफेयर्स से काफ़ी कंपोनेंट आ रहा है, और अगर कोई स्टैटिक से भी आता है तो काफ़ी बार ऐसा रहता है कि करंट से ट्रिगर होके उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है। तो प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मेंस की बात रही है, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप न्यूज़पेपर से मटेरियल उठा के खुद अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं, चाहे वो केस स्टडीज़ की फॉर्म में हो या एग्जाम्पल्स की फॉर्म में हो। तीसरा रही बात इंटरव्यू की, जो कि बहुत ओपिनियन बेस्ड रहता है, उसमें तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो अगर आप कुछ साल के पेपर उठा के देखें तो ये रियलाइज़ होगा कि जो न्यूज़पेपर में आता है उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़नी पड़ती है। जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो गूगल करके तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो शायद न्यूज़पेपर में नहीं थी लेकिन पेपर में पूछी जाती हैं। तो कोशिश रहे कि न्यूज़पेपर से आप टॉपिक्स उठाएं, वो टॉपिक को न्यूज़पेपर से नोट्स बना के उसको सप्लीमेंट करें, चाहे वो एडिटोरियल्स में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है या गूगल करके आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये रही बात प्रीलिम्स की। मेंस के लिए एक अलग से टॉपिक वाइज जो भी आप अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ही कहीं केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल की फॉर्म में जो भी न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं उसको ऐड कर लें, ताकि बाद में भूल ना जाए और रिवीजन करते हुए वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने को मिलते हैं, और जब आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं तो इंटरव्यू बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो मैं ये कहूँगी कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखें और सिलेबस के थ्रू देखें कि क्या टॉपिक न्यूज़ में है जो मेरे सिलेबस के साथ रिलेट हो सकता है और क्या ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या पढ़ना छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जो प्रेपरेशन है थोड़ी थीम बेस्ड रहे। कोई भी अगर टॉपिक आ रहा है न्यूज़ में, उसको एक थीम समझ के उसके ऊपर एक अप्रोच लगा के आप उसके इंट्रोडक्शन, बॉडी में प्रोज, कॉन्स, कॉजेज, इफेक्ट्स जो भी आप लिखना चाहते हैं, और एक अच्छा कंक्लूजन बना के उस थीम को प्रिपेयर करके साइड में रखते हैं। और जब आप रिवाइज करेंगे तो वो न्यूज़पेपर से आपका एक कंपोनेंट पूरा हो जाएगा। तो उससे आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान हो जाएगा। आई होप इट हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। चाणक्य IAS एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।